एक शिवलिंग में आप जल चढ़ाते हो तो 11,000 शिवलिंगों का आप अभिषेक कर रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं चंपावत बालेश्वर मंदिर। तो दिखाता हूँ आपको बालेश्वर मंदिर की हिस्ट्री क्या है, वो भी बताऊँगा साथ में, तो जितना हो सके नॉलेज दूंगा। और तो गाइस चलते हैं, हो चुका हूँ मैं तैयार, तो अब निकलते हैं, मिलते हैं बालेश्वर मंदिर में। तो गाइस अभी हम आ गए हैं चंपावत के सर्किट हाउस के ऊपर। यहाँ छोटा सा हेलीपैड भी है, वो भी आपको बाद में दिखाऊंगा। तो अभी मैं यहाँ से चंपावत का जो व्यू आ रहा था, बहुत ही तगड़ा व्यू आ रहा था, तो आपको मैं वो दिखाता हूँ किस प्रकार का व्यू आ रहा है। तो गाइस अभी मैं आपको यहाँ से भी दिखाना भी चाहूँगा जो चंपावत से जो हिमालय का व्यू आता है वो किस प्रकार से आता है। जो मैंने आपको घर से दिखाया था वो कुछ अलग टाइप का था, अब मैं आपको यहाँ से चंपावत से दिखाऊंगा किस टाइप का अलग से व्यू आ रहा है। तो गाइस अभी हम आ गए हैं हेलीपैड के पास, जो ऊपर टॉप पे सर्किट हाउस के पास दिखा रहे थे, तो ये चारों तरफ से और पहाड़ से गिर। अभी हम आ गए हैं बालेश्वर महादेव के मंदिर के गेट के बाहर हम खड़े हैं। तो अभी हम अंदर जाके देखते हैं अंदर क्या क्या मंदिर के अंदर है। तो चलो गाइस आपको दिखाते हैं। अगर आप मार्केट से यहाँ से आते हैं तो 2 मिनट का समय लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। अगर मेन मार्केट से आप उतरेंगे तो 2 मिनट का समय लगेगा। तो आप गाइस चलते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मेन मंदिर के अंदर, तो आपको दिखाते हैं मेन जो महादेव का मंदिर है वो कैसा है अंदर से। तो आइए। तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं यहाँ शिवलिंग दिख रहे हैं। तो माना जाता है कि एक शिवलिंग में आप जल चढ़ाते हो तो 11,000 शिवलिंगों का आप अभिषेक कर रहे हैं एक साथ, यहाँ इसकी मान्यता है। और इस साइड में आप देखेंगे, इस साइड में आप देखेंगे तो मेन महादेव का मंदिर है, जहाँ नंदी महाराज भी सामने आपको दिखाई देंगे। और मेन महादेव का मंदिर है, अंदर अंदर भी शिवलिंग है। तो गाइस जो बालेश्वर मंदिर के अंदर ही चंपावती देवी का मंदिर है, जो कि चंद्रदेव की पुत्री थी। तो आप जैसे मंदिर देख सकते हैं सामने, जो मेरे मंदिर है चंपावती देवी का मंदिर है, इसी के नाम से, चंपावती देवी के नाम से ही, या इस जगह का नाम चंपावत पड़ा। और गाइस आप यहाँ भी देख सकते हैं जो मेरे सामने चंपावती देवी मंदिर के सामने ही भैरव बाबा का मंदिर बनाया गया है, जिसमें हर शनिवार को तेल चढ़ाया जाता है। तो गाइस आप देख सकते हैं इसमें चित्रकारी कितनी तगड़ी की गई है,
जो कि चंद्र राजाओं ने उस टाइम पे 700 ईस्वी पूर्व बनाया था जो ये, तो आप चित्रकारी देख सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और भी जो आप अलग वीडियो में दिखाएंगे आपको अलग जगह की वीडियो। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप अपने फ्रेंड के साथ जितना हो सके शेयर करें। बाय, जय हिंद।